लोकसभा सीट के अंदर आने वाली रुपोली विधानसभा सीट जिस पर 6 बार की विधायक हैं बीमा भारती, क्या बीमा भारती इस बार भी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीत जाएंगी या फिर मुकाबला यहां पर कड़ा होता हुआ नजर आएगा? क्या पप्पू यादव का विरोध बीमा भारती पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। रुपोली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा क्योंकि जेडीयू पार्टी की विधायिका के तौर पर बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव के बीच में इस्तीफा दे दिया। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई। लोकसभा का चुनाव पूर्णिया से लड़ती हुई नजर आए, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर ये साबित कर दिया कि आज भी जनता पूर्णिया की पप्पू यादव को ही पसंद करती है। बीमा भारती आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, चुनाव बीमा भारती हार गई। अब ऐसे में आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को तो टिकट दे दिया गया है कि रुपोली विधानसभा का चुनाव वो लड़ती हुई नजर आई, लेकिन जेडीयू पार्टी की तरफ से यहाँ पर कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई तो एक नाम निकल कर सामने आया। वो नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि खुद जनता दल यूनाइटेड के सांसद, कार्यकर्ता, नेता, विधायक चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, राजनीति में एंट्री ले, सक्रिय हो और अपने पिता की बागडोर को संभालते हुए नजर आए। ऐसे में चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि निशांत कुमार हो सकता है बीमा भारती के खिलाफ रुपोली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। निशांत कुमार की बात करें तो वो राजनीति में सक्रिय कभी नजर नहीं आए, राजनीति से कोसों दूर नजर आए, यहाँ तक कि वो किसी विवाद में भी नहीं देखे गए। यहाँ तक कि देखा जाए तो वो घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी नजर आए थे। यहाँ पर निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार की रणनीति खुले तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन अब यही देखना होगा कि बीमा भारती का तो आरजेडी से चुनाव लड़ना तय है, लेकिन क्या जेडीयू पार्टी की तरफ से निशांत कुमार अब विधानसभा का ये उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर, क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद। 2 मिनट हुआ।